अंतरराज्यीय बस टर्मिनल मंडी के अड्डा प्रभारी पर मनमर्जी का काम करने व चालकों की ड्यूटी मनमर्जी से लगाने का आरोप है। एचआरटीसी मंडी के चालकों का कहना है कि उनकी ड्यूटी व्यवस्थित तरीके से ना लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। गुस्साए चालकों का कहना है कि उन्हें विभाग व सरकार को इस बारे में कई बार सूचित किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे तंग आकर उन्होंने परिवहन निगम मंडी के चालकों ने अपनी मांगों को लेकर शोले खंड में परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अपना रोष जताते हुए चालकों ने मांग उठाई कि अड्डा इंचार्ज मंडी की कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्हें बदला जाए या फिर चालकों ने सामूहिक तबादले करने की बात कही। उन्होंने इस बारे में सरकार को मांग पत्र भेजा है, जिसमें मांग उठाई गई है कि चालक अड्डा इंचार्ज मंडी के व्यवहार से इतने परेशान है कि वे चाहते हैं कि चालक मंडी के अलावा प्रदेश के किसी भी अन्य स्थान पर सेवाएं देंगे, लेकिन मंडी में कार्य नहीं कर सकते। के माध्यम से बताना चाहता हूं सर, जो हमारे आरएम साहब ने दीपक राज जी को जो चार्ज दिया है, वो एक अवैध तरीके से इन्होंने चार्ज दिया है, क्योंकि दीपक राज को प्रशासनिक तौर से पहले भी दो बार ठुकराया गया था। राजनीतिक दबाव से अपने संगठन के दबाव से उन्होंने मंत्री से ऑर्डर करवा के अड्डे में उन्होंने अपने बैठने का दबाव बनाया, परंतु अड्डे पर बेकायदा हमारे नरेश जी बैठे हुए थे और उनके पास कागजात पहले ही से थे, और उसके बाद हमने उनके ऑर्डर द्वारा कैंसिल करा दिए। तो उसके बाद दीपक राज जी ने कोर्ट का सहारा लिया। हमारा मानना ये है कि जब उस दीपक राज ने कोर्ट का सहारा लिया, उसके बावजूद जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो तब तक दीपक राज का ऑर्डर स्टैंड बाई में रहने चाहिए थे, जबकि हमारे आरएम साहब ने उनको चार्ज दे दिया, क्योंकि जो दीपक राज जो जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से अपने ऑर्डर लिए उनको साइड में बिठाते, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक उनको वो चार्ज का जिम्मा नहीं दिया जाए। सर, ये मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि ये शहरयाम धांधली है जनाब इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल अड्डा इंचार्ज बैठा हुआ था और ये बोलते हैं हमने प्रशासनिक तौर पे हमने अपना जो काम करना वो किया था, कि इसको कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी। उसके बावजूद भी कोर्ट गया, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते उसके बाद उसको चार्ज देते। प्रशासन को इनको पहले क्या ज़रूरत थी कागज देने। इनके चार्ज लेने से क्या दिक्कतें आ रही है? चार्ज देने से हमें बड़ी दिक्कतें हैं सर, क्योंकि सरकार ने इनके ऑर्डरों को पहले भी दो बार ठुकराया है, प्रशासनिक तौर भी उनको बाहर किया है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, और हमारे 117 सीट ड्राइवर साइन करके दे रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन हम पे दबाव बनाई जा रहा है। वहीं जब इस बारे में परिवहन विभाग मंडी के आरएम गोपाल शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अड्डा इंचार्ज की नियुक्ति सरकार के आदेशों के अनुरूप हुई है और अगर चालकों को उनके व्यवहार या काम करने के तरीके से परेशानी है तो वह विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा सकते हैं। तो की जा सकती है ना, की गई है। ये जो आदेश हुए थे वो किसी कंपटेंट अथॉरिटी ने आदेश किए थे रखने के, उसके मैंने कंप्लाइंस जीत की थी और फिर उसी अथॉरिटी द्वारा बाद में इनको विड्रॉ किया गया, जिसकी भी हमने पालना की, इनके ऑर्डर विड्रॉ किए। लेकिन जब उक्त व्यक्ति हाई कोर्ट तक गया तो हाई कोर्ट से जो हमने विड्रॉ के ऑर्डर किए थे उस पर स्टे लगा, जो उस पर स्टे लगा उसके भी शायद अगले महीने इसी महीने शायद उसका डेट रखी है, हमारे शिमला हमारे हेडक्वार्टर अप्लाई देंगे तो फाइल करेंगे। तो जब तक कोर्ट के उसमें स्टे है मौजूद तो उसको हम हटा नहीं सकते। जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो उसके ऑर्डर एज इंचार्ज हुए थे, और ये जिनकी बात कर रहे हैं कि उनके जो रिकॉर्ड लिया गया है वो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी कर्मचारी है, रिकॉर्ड से कोई लेन देन नहीं इसका। अगर रिकॉर्ड से टेम्परिंग करेगा तो फंसेगा, अपना अंडर रूल्स में काम की जाएगी, और जो दूसरे साथी उनके काम करते थे उनसे ही सीनियर वैसे भी है, और इसके आदेश इसके इसमें कागजों में इंचार्ज किए हुए हैं। और इनको कोई अगर जो मेरे साथी बोल रहे हैं इनको कोई दिक्कत है तो मेरे ऊपर और ऑप्शन से बात करें, उनको लिख के दें, बजाय इसके नारेबाजी करने को समाधान नहीं किसी चीज़ का है। तो ये इनको लगता है कि हमने गलत ऑर्डर किए हैं, पास किए हैं, तो उसके बारे में हमसे ऊपर और अधिकारी में वो बात करें, उनमें लिख के दें, तो जो भी आदेश ऊपर से उसको पालना करेंगे।